नाम सेब भेजने वाले का थैंक यू भेजा हुआ सेब खा रहा है पता है ना, इसमें मुंह में थोड़ा कुछ हुआ, दो दाता तो फूटा है गया। ताल का घर है, हम इसी घर में रहते थे। और नीचे का दिखाइए, फर्श दिखाइए, नीचे का मिट्टी से और गोबर से लिपना रहता था रोज दिन। तो हम हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो ब्लॉग है ना, आज इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना कि आप लोग बस देखते ही रह जाएंगे। लेकिन उसमें से गिन चुन के हम लोग कुछ आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को भी याद आएगा अपना बचपना। क्योंकि मम्मी को ना आज अचानक से क्या हुआ था कि सोच रही थी कि क्या करें, बोर हो रही थी, तो हम बोले कि चलिए आप लोगों को एल्बम दिखाते हैं। एल्बम में सिर्फ गिन चुन के आप लोगों को बेस्ट फोटो जो होगा उसमें से चुन के निकाले हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा वो पूरा वीडियो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा इस तरह का वीडियो आएगा। तो चलिए पहले आप लोगों को दिखाते हैं स्टार्टिंग से, और मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं तो वो भी आप लोगों को दिखाती हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शायद ये वाला तो आप लोग पार्टी स्किप ही कर देते हैं, लेकिन फिर भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग। और इनका काम देखिए क्या कर रहा है, किन का है पैर देख लीजिए, लो इनका देख लीजिए, मुँह तनी हाथ हटाएगा देखिए बाबू हैं। और इनका पैर ये दबा के पटका रहा है। मेरा मिला था काम, ये काढ़ा बना के इन लोगों को पिलाने का, तो पिला दिए हैं। अभी टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है ना जी। कभी दुखा रहा है हाथ, पटका दिया तो हाथ दुखा गया आपको। क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कहना चाहते हैं भाई, सबकी सेवा करनी चाहिए, बड़े छोटे सबका। क्या तुम क्या बोल रहे हैं? सुबह से मम्मी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? तो चलिए देखते हैं कहाँ है। तो गाइस यहाँ पे बैठी हुई है, देख लीजिए क्या कर रही है मम्मी। अभी आपको आपको जोड़ नहीं देना है ना, इसमें मुंह में थोड़ा कुछ हुआ, दो गो दाते तो फूटा है गया, हाँ गया। okay, तो इसीलिए आराम से खा रहे हैं, हम बहुत गाना खाते थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी ईख खा रही हैं, और ईख से याद आता है कि इसलिए खा रही है क्योंकि ये इनका घर ही ईख में ही है। आपका घर कहाँ था? मेरा मायका का गांव का नाम है उखाई, इसीलिए हम लोग ऊख हमारे यहाँ बहुत होता था, पूरा बीघा का बीघा मेरा पापा बोते थे, ऊख गाना बोते थे वो। तो हम लोग क्या करते थे कि जाते थे 3-4 जाना, उसी में बैठ कर पूरा ऊख को चिबते थे उसमें। तो हरा भाजी लगा के खाना है इसमें, कितना कौन कौन ऊख खा सकता है आप लोग कमेंट कीजिएगा कि छील के ऐसे दांत से। लेकिन बड़ी मजा आता है ऐसे जूस पीने से, और ऐसे डायरेक्ट खाने से अंतर होता है, ये बहुत अच्छा लगता है, दांत मजबूत होता है। तुलसी जी के लाया था शादी के दिन, उसी दिन का है गन्ना, तो सोचे कि सूख जाएगा, अब इधर से सूख भी रहा है, लेकिन अच्छा है, फूल उख है तो खा जा रहे हैं बैठ के। और कुछ बोलना है? हाय तो चलिए गाइस आगे चलते हैं वीडियो को लेकर। वेल गाइस अभी देख सकते हैं कि मम्मी यहाँ पे ही खा रही है, और आप लोगों को नया चीज एक चीज दिखाना है, चलिए दिखाते हैं आपको। क्या कर रही है? टेबल पे कहीं ले जाकर, सर्दी हुआ है तो सरसों का तेल लगेगा तो सही हो जाएगा, हाँ वहीं ले जाकर डाला जाएगा। वेल गाइस अभी तो हमको पता नहीं है कि सर्दी में क्या क्या मतलब ज्यादा खाया जाता है या नहीं खाया जाता है, लेकिन अभी हम खा रहे हैं सेब, जो कि बहुत ज्यादा कश्मीरी सेब है, कश्मीरी सेब। चलिए मम्मी से बात करवाते हैं, मम्मी क्या बोल रही है सेब के बारे में, कैसा लग रहा है, हमको टेस्ट का भी नहीं पता चल रहा है। चॉकलेट गाइस फाइनली मम्मी अभी आपको लोगों को कुछ बताएंगी, ये सेब कौन सा सेब है मम्मी बोलिए। अच्छा है सेब,
बोलिए नाम। सेब भेजने वाले का थैंक यू भेजा होगा सेब खा रहा है। पता ना वो वीडियो देख रहा होगा कि नहीं। छोड़िए बोलिए कौन सा सेब है। इसको चॉकलेट वाला सेब बोलते हैं, चॉकलेट या सेब। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये सेब कौन सा इसका है। जो छिलका ना एकदम पतला है, इसका छिलका एकदम पतला है, उसमें से दिखा दो अच्छा वाला। और कौन कौन सा सेब का नाम पता है आपको? कश्मीरी, चॉकलेटिया, एक और आता है उसका क्या नाम है, पटना हुआ। Oh no! पटना वाला नहीं होता। और उनको नहीं पता। मछली का को नाम पता है? मछली तो कितना ही जानता है, 2500-3000 रुपये। अच्छा तो wow! बोल दे सही ना, तुमको बताएगा पहले बता। हमको नहीं पता, हमको चारों पांच को पता है। कौन कौन बता? कतला, सिधरी, कौआ, नकटी और पाटिया। हो गया। हाँ मोय एक, कतला तीन, कौआ चार, बागवा पांच, चलवा सिधरी, पाटिया पटना, नकटी छह, टेंगड़ा सात, बामी आठ, सौरी नौ, बरारी दस, बरारी सिंगी ग्यारह ही हुआ। और उसके बाद से ये बहुत सारा भूल गए जी, नमुआ चलवा चरंगा बारह, गरई तेरह, बैंक मछली रुको ना, बैंक मछली ना रीठा कितना मछली 14 रीठा मछली, और बामी 15 और सिधरी 16 डेढ़ा 17 मांगुर का हो गया है, और कौन जी Oh my God, भूल गए हैं जी बहुत सारा। तो गाइस आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को इसमें से छोड़ के और कौन सा नया मछली का नाम याद है। अगर आप लोगों को नाम कोई भी याद है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे, और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कौन सा रेसिपी चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं अभी वीडियो को आगे लेके चलते हैं, आगे क्या देखने को मिलता है। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी यहाँ पे तैयार है। तो सबसे पहला पेज जब खुलेगा तो आप लोग गेस कीजिएगा कौन सा कौन है, किसी का नाम नहीं बताएंगे हम लोग, लेकिन आप लोग बस कमेंट कीजिएगा कि कौन है इसमें सबसे पहला पेज में। शायद एक तो आप पहचान लेंगे, लेकिन जो दूसरा होगा वो आप नहीं पहचान पाएंगे ना मम्मी। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन कौन। ऐसा है ना गाइस कि आजकल का क्या होता है कि फोटो खींचा रहा है फोन में और ख़त्म हो जाता है और नहीं निकलवा पाते हैं सब फोटो। हम लोग पहले कैमरा से खिंचवाते थे तो सारा फोटो हम रखते थे, और आज भी मेरे पास है सारा फोटो, तो आप लोग को देखने को मिलेगा इस एल्बम में। और आप लोग को अच्छा लगेगा बोलिएगा तो फिर हम दिखाएंगे कभी किसी ब्लॉग में। तो देखिए फर्स्ट देखिए। तो गाइस आप लोगों को नाम नहीं बताएंगे, लेकिन इसमें आप लोग अगर जो आप लोगों को लगेगा आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा कौन कौन है। ये तीन आदमी हैं हम लोग, इसमें से हम है, दीदी है और भैया है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन है। तो सबसे पहले थोड़ा पास से आप लोग देख लीजिए, ये मोटू राम और ये मोटू राम और ये है भैया। अरे यार तो आप लोग बस कमेंट कीजिएगा कि कौन है। तो दिया तुम चलिए ना। तो अब जो है आप लोगों को बेस्ट फोटो में से आप लोगों को जल्दी जल्दी हम दिखाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं पहले हम लोगों का घर ऐसा था, पापा और हम हैं। पापा जी को देखिए कितने पतले हैं, मम्मी भी थोड़ा मोड़ा पतली थी, और ये खरगोश है भैया है। ये 8 में उस समय पढ़ रहे थे, और यहाँ 2 अंधा लोग है ये देखा ये 2 जन है इतना ही बड़े छोटे हैं ये दोनों, और यहाँ भी 2 जन हैं। वैष्णो माता हम जब जा रहे थे तब इन लोग को लेके गए थे। तो
तो चलिए गाइस आप लोगों को गिन चुन के जल्दी से फटाफट आप लोगों को दिखा देते हैं कि कौन सा फोटो में, ये देखिए पापा जी को कितना पतले हैं और कितना चेंज हो गया अभी। एक फोटो आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा कि घड़ियाल के ऊपर सोई है। अभी मम्मी से पूछते हैं ये कब का है और कब कहाँ का है। ये विशाखापट्टनम का है और 8 में सचिन पढ़ रहे थे तब हम लोग गए थे वहाँ उनको रखने। जब एक बार आ गए थे वो हॉस्टल से, तो घड़ियाल पे सो गई थी। बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे हॉस्टल में पढ़ने, तो हम लोग फिर बात करके उनसे मैडम से लेके गए, इनको दोबारा एडमिशन कराए और विशाखापट्टनम श्री प्रकाश में रखे थे, वहीं पार्क था तो हम लोग घूमने गए थे पूरा फैमिली। वेल गाइस अब आप लोग बताइए कि ये कौन है और ये जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। बस इतना जान लीजिए कि ये पापा जी नहीं है, तो इसके इनके साथ जो है कौन है और ये कौन है बताइए आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करना है। और गाइस ये मेरा ससुराल का घर है, हम इसी घर में रहते थे। और नीचे का दिखाइए, फर्श दिखाइए, नीचे का मिट्टी से और गोबर से लीपना रहता था रोज दिन, तो हम लोग लिपते थे उसको मिट्टी और गोबर से सुबह में। और ये यहाँ पर एक ये दिखा दीजिए और ये देखिए आप लोग, और जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये किसका फोटो है, ये और ये किसका फोटो है जो साड़ी में है वो और यहाँ पे जो खड़ा है ये बच्चा वो। वेल गाइस ये लास्ट आप लोगों को फोटो है और इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पापा जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे मम्मी जो है, ये बीच में जो मम्मी है ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है और ये मेरी दोस्त है जो अभी भी आती है। ये मम्मी का फोटो है, आप लोग विश्वास नहीं कर रहे होंगे, देख लीजिए कितना चेंज हो गई है। और ये सुमन मिस है और उनकी मम्मी है, ये हमको अपनी बेटी के जैसे मानती थी। और ये और लोग स्कूल ये में बाढ़ प्रोग्राम हम लोग का हो रहा था स्कूल में 15 अगस्त का, इतना ना बारिश हुआ कि पूरा भर गया था पानी से। और यहाँ पे सारा बच्चा सब आपको खिल रहा है। यहाँ पर हम लोग हैं, हम हैं, ये सचिन है, दूसर का साल था, सचिन का पापा है। चलिए गाइस बोलिए। तो हम इसीलिए एल्बम रखे हुए हैं अपने यादगार के लिए, और हम नहीं रहेंगे तो मेरा पोता पोती नाती नतनी जो भी आएगा इस दुनिया में तो रहेगा फोटो, तो जरूर बैठ के देखेगा सब कि मेरी नानी कैसी थी, मेरी दादी कैसी थी और हम लोग कैसे थे। तो आई होप गाइस आप लोगों को बहुत ज्यादा ये एल्बम, लेकिन गाइस बनवाना चाहिए, ये सब बहुत अच्छा लगता है, बना के रखना चाहिए। फोन में खत्म हो जाता है, मेमोरी नहीं रह पाता है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा ब्लॉग अच्छा लगे, तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।